क्वेश्चन भैया जो आशा ने भी बोला, तो अगर मैं घर में आकर नहीं बोलती तो शायद मुनव्वर इस बात को इग्नोर कर देते, मेरी बातें नहीं हो पाती। मनारा के साथ जो दोस्ती रही आपकी, शुरुआत में भी बहुत अच्छी रही है, बीच में भी लास्ट लास्ट भी बहुत अच्छी रही, क्या कहना चाहेंगे दोस्ती? चूंकि मनारा ने अभी हमसे ही बात करते कहा कि जब मुनव्वर खान ने ट्रॉफी दी ना तो अपने दोस्तों को बोल दिया, आप बदल गए? मैंने उसको एक्सप्लेन किया उस चीज का, रात में चेक था, माइक था, ट्रॉफी थी और सब लोग आके मुझसे मिल रहे थे, मुझे नहीं पता किन किन से मिला और किन किन से नहीं मिला, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आकर मुझसे मिलते तो मैं सच में खुश होता, जितना अभिषेक को गले लगा के बना रहा कोई आदमी को नहीं पता, तो वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मैं वो क्लियर कर और बना रहा से क्लियर करनी पड़ती है, ये तो दोस्ती बरकरार है। लास्टली चूंकि मौका भी बहुत खास है, डबल सेलिब्रेशन है, तो अपने उस जनता के लिए दो लाइन आज बहुत खास है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी शादी का मैंने अभी सुना, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं जब अपनी चीज़ें बताता हूँ ये होता, मेरे चेहरे पे स्माइल होती है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि डिग्रेड फील नहीं होता, पहले कहा जाता था बहुत रोता है स्माइल भी करो उससे प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं होता, बात करने का तरीका वैसा है कि मैं स्माइल ही करता हूँ, मैं खुद रियलाइज नहीं करता, उसके लिए दो लाइन कह दूँगा कि एक ही अदा आती है मुझे अपने गम छुपाने की, एक ही अदा आती है मुझे अपने गम छुपाने की, फिर भी वो पूछते हैं वजह मेरे मुस्कुराने की। एक लास्ट ये भी जान सके, अंकिता लगता था आपको भी एक टॉप फिल्म में नहीं आएगी, क्योंकि सबको यही उम्मीद था कि अंकिता के हाथ में ट्रॉफी होगी? नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता था टॉप फिल्म में नॉट अप्रिशिएट होगी, थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए मना मना रहा था, बट कहीं ना कहीं लास्ट के तीन चार वाइब आ गई थी, अभिषेक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बस वही है कि मुझे टनल के बाहर से बिग बॉस भी बेच सकते हैं, वेरी हैप्पी, और लोगों को टनल तक छोड़ के आने में भी जितना योगदान मुझे टनल का जितना था, जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल, इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं। मैं हमेशा कोई भी अच्छा होता है बुरा होता है, मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते, और चीजों से गुजरना पड़ता है, माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ की दुआएं मेरे साथ है। अच्छा, स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए, तू साथ ना माँ पर साथ मेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया था। भाई मैं जैसे बोलना चाहूंगा, एक ऊपर नीचे होना, वाइल्ड कार्ड ना होना, मैं अपने काम का अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ, मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता, मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ, और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब किसी प्राइवेट चीज है आप सबसे आती है आपके लिए रेडी नहीं होते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते मुझे, उन्होंने हमेशा मुझे अभिषेक और मन्नार से दोस्ती रहेगी आगे जाके, बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, अभिषेक और मन्नार से हमेशा रहेगी, गीता से भी रहेगी, और
घर है बिग बॉस का घर, बहुत सारे इमोशन से आप गुजरते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील कर पाऊंगा, बहुत सारे इमोशन है और खास करके दोस्ती को लेकर आपको एक बार किसी से नाराज भी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो आपस में दोस्तों में वो रंजिश में आना लाजिम है। बट एट दी एंड आपको रियलाइज होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर भी रहते हैं। देखिए मैं यही बोलूंगा कि जब आप एक रियलिटी शो जीतते हो और इतने प्यार करने वाले लोग होते हैं तो आप कभी भी अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर देते हो अपने आप ही, और वो एक्सपेक्टेशन पे लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो जानकर ही कुछ ना कुछ मारना शुरू कर देगा। तो मैं हमेशा से सुनता था, समझता था कि बिग बॉस घर क्या है, कहा जाता था सिविलाइज तरीका, कहा जाता था कि घर में हो आप कहते ऐसे बिहेव करते हो, अपनी लैंग्वेज पे काबू। तो मैंने दायरे मेंटेन किए, कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, कभी किसी को गालियां दी, और मैंने हमेशा एक ऐसा जोन किसी के साथ लगा कि बात करके जब चीजें सुलझ सकती है तो मैं उलझाने वाला इंसान हूँ भी, और मैं अपनी जिंदगी में भी इस तरह चीजें सॉल्व करता हूँ, झगड़ों से दूर रहता हूँ, शायद मैं झगड़ा करता हूँ दिखा नहीं होगा, मैं बातों से चीजों को सुलझा लेता हूँ और गेम जब जरूरत थी मैंने उस हिसाब से खेला। जब बिग बॉस गया था तो मैं ट्रॉफी लेने जरूर गया था, लेकिन जब मैं बिग बॉस से बाहर आ रहा हूँ तो सिर्फ ट्रॉफी लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं एक बेहतर मुनाफा को बाहर लेके आया हूँ, और ये मेरे एक्शंस में मेरी लाइफ के आगे के डिसीजंस में और हमेशा दिखेगा। बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा, उस जर्नी में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट अफसोस नहीं है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये सोच के कि मेरे साथ जो आजमाइश थी, जो एग्जाम था, टेस्ट था, वो ऐसी जगह पे हुआ कि जिस जनता ने मुझे बनाया उसी जनता के सामने मैं पहुंच चुका, कटघरे में था, और तब भी उन्होंने प्यार दे के मुझे हाथ दे दिया कि जब मैं लड़खड़ा आया तब भी हाथ दिया कि ठीक है, हमें तेरा जख्म नहीं देखना, उसके अलावा का जो पूरा जिसमें मैं जो खूबसूरत है उसको देखा और वो जख्म पे ध्यान नहीं दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे। जैसे घर से बाहर आया हूँ, मैं पहले भी गया हूँ और मैंने जैसे यहाँ आया हूँ कि जो बात कही उसका बिजली मिल नहीं है, बहुत सारी चीजें आपकी ज्यादा खराब हो रही है, आप
जाने तो इन लोगों को जिनको पार्टी करने जाना है मैं ट्रॉफी लेके सीधा डूंगरी जाऊंगा।